नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल हैं यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लेकर आए हैं ITI फर्स्ट ईयर के सभी ट्रेड के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। और इसमें हम लोग आज नेमी मॉक टेस्ट लगाएंगे इसका, क्योंकि ITI का जितना भी एग्ज़ाम अभी ऑनलाइन हो रहा है सब में नेमी मॉक टेस्ट से ही पूछे जा रहे हैं, तो आज हम इसी का क्वेश्चन लगाएंगे। और इससे पहले कि आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद ही क्वेश्चन सेट लगाएं, तो चलिए हम लोग चलते हैं आप क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड, कह रहा है कि एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है उसे कहा जाता है। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है मर्चेंट यानी सौदागर, दूसरा ऑप्शन है इंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी, तीसरा ऑप्शन है बिजनेसमैन यानी व्यवसायी, और हमारा डी ऑप्शन है सेल्स एग्जीक्यूटिव यानी बिक्री कार्यकारी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी इंटरप्रेन्योर। तो अब चलते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की ओर। एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर, इसमें कह रहा है कि छोटे पैमाने पर जो बिजनेस होता है उसकी तुलना में बड़े पैमाने पर बिजनेस की क्या आवश्यकता होती है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, लेस नंबर ऑफ पर्सन्स यानी कम लोगों की ज़रूरत होती है, ऑप्शन बी लेस ऑफ कैपिटल यानी कम पूंजी की ज़रूरत होती है, ऑप्शन सी मोर नंबर ऑफ पर्सन यानी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, ऑप्शन डी स्मॉल मशीन्स एंड टूल्स यानी छोटे मशीन और औजार की आवश्यकता होती है। इसमें हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मोर नंबर ऑफ पर्सन, क्योंकि लार्ज स्केल बिजनेस में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी है मोर नंबर ऑफ पर्सन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो टर्म एज्ड यानी उद्यमी को और भी क्या कहा जाता है, ऑप्शन है इन्वेस्टर यानी निवेशक, बी है एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता, तीसरा हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार, और चौथा हमारा एम्प्लॉयमेंट सीकर यानी रोजगार चाहने वाला। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज बिटवीन, निकल रहा है मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस ए है 10 लाख टू 2 करोर्स, ऑप्शन बी है 25 लाख टू 5 करोर्स, ऑप्शन सी है 2 करोर्स टू 5 करोर्स, ऑप्शन डी है 5 करोर्स टू 10 करोर्स। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 5 करोड़ टू 10 करोड़। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन SWOT SWOT एनालिसिस एस स्टैंड फॉर, कह रहा है कि SWOT विश्लेषण में एस का अर्थ क्या है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, एस फॉर लिखा हुआ सक्सेस, एस फॉर लिखा हुआ स्ट्रेंथ, सर्वे और सर्विस। तो हम देख लेते हैं SWOT का फुल फॉर्म क्या होता है, एस से हमारा होता है स्ट्रेंथ। तो हमारा देख लीजिए ऑप्शन मिलाइए कि स्ट्रेंथ कहाँ पे है, तुम्हारा ऑप्शन बी है स्ट्रेंथ। तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ इंटरप्रेन्योर इज टू, यानी कह रहा है कि आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका होती है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या कहता है, जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी पैदा करना, स्टेगनेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी स्थिर जीवन स्तर, तीसरा ऑप्शन है इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय में सुधार, और चौथा ऑप्शन हमारा अनबैलेंस द रीजनल डेवलपमेंट यानी क्षेत्रीय विकास को असंतुलित करना। तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय में सुधार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है इन SWOT
एनालिसिस विच पेयर इज हेल्पफुल, बोला जो हमारा ये शॉर्ट विश्लेषण है उसमें कौन सा दो पेयर जो हमारा है वो हेल्पफुल है। तो ऑप्शन से हमारा है स्ट्रेंथ वीकनेस, बी ऑप्शन है स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटीज, सी ऑप्शन है थ्रेट्स वीकनेस, डी ऑप्शन है थ्रेट्स एनी अपॉर्चुनिटी। तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी, तुम्हारा सही ऑप्शन बी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें करा मनी इन्वेस्टेड इन परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, पेमेंट ऑफ वेजेज एंड सैलरीज, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी इटीसी कम्स अंडर, यानी कह रहा है कि कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन का भुगतान, किराया, बिजली आदि में निवेश किया गया धन किसके अंतर्गत आता है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शन ए है वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी, ऑप्शन बी है फिक्स्ड कैपिटल यानी अचल पूंजी, और ऑप्शन थर्ड है लॉन्ग टर्म कैपिटल यानी दीर्घकालीन पूंजी, और हमारा ऑप्शन डी है कैपिटल इनकम यानी पूंजीगत आय। तो हमारा सही ऑप्शन होगा वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसे पूछ रहा है MSME स्टैंड्स फॉर, यानी MSME का फुल फॉर्म बताना है। तो हमारा जो देख लीजिए क्या होगा, ऑप्शन है माइक्रो स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन बी है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन सी है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, और ऑप्शन डी है माइनर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तुम्हारा सी ऑप्शन सही होगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें करा पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड, तो ये क्या कर रहा है, विचारों वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान किए गए रूप को कहा जाता है। तो देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन ए है पब्लिसिटी यानी प्रचार, बी है गुडविल यानी दया भाव, तीसरा है पब्लिक रिलेशन यानी जनसंपर्क, और चौथा हमारा है एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है द इंटरप्राइजेज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नाउन एज स्पेस, इसे कह रहा है माल के उत्पादन में लगे उद्यमों के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शंस है ए मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज यानी विनिर्माण उद्यम, ऑप्शन बी है सर्विस इंटरप्राइजेज यानी सेवा उद्यम, तीसरा है हमारा माइक्रो इंटरप्राइजेज यानी अति लघु उद्योग, और हमारा डी है माइक्रो इंटरप्राइजेज यानी माइक्रो उद्यम। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज यानी विनिर्माण उद्यम। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है द एक्सपेंशन ऑफ GDP इज, यानी GDP का विस्तार क्या है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन बी है गोडाउन डिमांड प्रोडक्ट, ऑप्शन सी है ग्रांड डिमांड प्रोडक्ट, ऑप्शन डी है जेंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसे पूछ रहा है द एक्सपेंशन ऑफ SIDO इज, बोल रहा है हमारा SIDO का विस्तार क्या होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है स्मॉल इनकम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है स्मॉल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी है स्टैंडर्ड इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तुम्हारा जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा सही होगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है व्हाट अप्रोच इज यूज टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स एंड क्विकली प्रमोट एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, कह रहा है कि विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को शीघ्रता से बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। तुम्हारा देख लेते हैं ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है लाइसेंसिंग यानी लाइसेंस,
दूसरा ऑप्शन है कलाब्रोशन यानी सहयोग, तीसरा ऑप्शन है ज्वाइंट वेंचर यानी संयुक्त उद्यम, और तीसरा हमारा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र यानी तकनीकी हस्तांतरण। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी संयुक्त उद्यम यानी ज्वाइंट वेंचर, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है विच इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज। कह रहा है विनिर्माण उद्योगों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी, ऑप्शन बी बिल्डिंग एंड लैंड यानी भवन और भूमि, ऑप्शन सी है प्लांट एंड मशीनरी यानी संयंत्र और मशीनरी, ऑप्शन डी है सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज यानी कर्मचारियों का वेतन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी संयंत्र और मशीनरी यानी प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है विच वन इज अ करेक्ट चैनल थ्रू विच मार्केटर्स कैन रीच कस्टमर्स, यानी कह रहा है कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन लग रहा है वो ऑप्शन हमारा सी सही आंसर होगा, मैन्युफैक्चरर रिटेलर कस्टमर यानी हिंदी में होगा इसका उत्पादक फुटकर विक्रेता और ग्राहक। तुम्हारा ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू।